भैया एक चंदा और दूसरा सितारा, क्या आपसे अभी भी तेज नहीं भागा जा रहा? नहीं। तो बस मूवमेंट स्पीड को लेके टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आज आपका भाई आप लोगों के लिए मूवमेंट स्पीड से लेके ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स एंड सीक्रेट सेटिंग लेके आया ना, जिसको अगर आप यूज करते हो तो मूवमेंट स्पीड वाली सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी। तो अपने भाई पे करके भरोसा, उस लाइक वाले बटन को तोड़ दो, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दो। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में, ऐसे ऐसे अमेजिंग सीक्रेट चीजों के बारे में ना, जो कि बड़े बड़े प्लेयर यूज करते हैं, लाइक YTFF, MA10, राइस्टर और इससे भी बड़े बड़े और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और यही लोग इस सब ट्रिक को यूज करके आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो बस आज आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो क्या कर रहा है यार, इतने बोलने के बावजूद लाइक नहीं कर रहा, तो जल्दी से लाइक करके आ जाओ, और उसके बाद वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। तो अभी मैं आपको आपकी गेम की सेटिंग एंड कुछ फोन की सेटिंग्स बताने वाला हूं, तो दोनों सेटिंग्स को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप इधर उधर करते हो ना तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन दोनों ट्रिक्स को या इन दोनों सेटिंग्स को अच्छे से समझना, ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट सेटिंग होने वाला है। तो अभी चलते हैं हम अपने डायरेक्ट फोन की स्क्रीन पे और बात करते हैं कि फोन में आपको क्या क्या सेटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आके ना अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है। और मैं ये नहीं बता रहा कि आप DPI ऑप्शन कैसे ऑन करोगे, आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपने हिसाब से आप देख लेना आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन कहाँ पे होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है, सर्च वाले ऑप्शन पे, एंड सर्च करना है आपको डेवल टाइमिंग करके, ठीक है, डेवल टाइमिंग या डेवल टाइमिंग ऐसे करके कुछ लिखा होगा आपके में, तो आप अपने फोन के हिसाब से देख लेना कि क्या लिखा हुआ है। एंड उसके बाद आपका ना ये हाफ में रहेगा कुछ इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो हाफ में रहेगा, तो उसको आपको फुल कर लेना है। अगर आपके में परसेंटेज का ऑप्शन होगा तो वो 50% पे होगा, तो उसको आपको 100% कर लेना है, या लाइन वाला ऑप्शन होगा तो इस टाइप से उसको फुल करके फुल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला आपका फर्स्ट सेटिंग हो चुका है। अब इसका काम क्या है ना, वो आपका जो टच रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज कर देता है, तो जिनका भी फोन अटकता वटकता है थोड़ा बहुत, तो वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकंड वाले अगर सेटिंग की बात करें, तो आपको पता है नॉर्मल DPI सेटिंग होता है, तो इसको यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है स्मॉलेस्ट विथ करके, एंड उसके बाद आपको नीचे चले जाना है सेटिंग पे, मतलब कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट विथ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, जिसका भी 360 होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो 360 होगा तो आपको 100 प्लस कर लेना है, मतलब 100 प्लस करके आपको 460 के करीब कर लेना है। एंड जिसका भी फोन में 392 के करीब होगा ना, 392 के आसपास, तो उसको क्या करना है, 490 कर लेना है, मतलब 490 के करीब कर लेना है। और याद रखना, जितना भी आपका DPI का ऑप्शन है ना, उससे आपको 100 ही बढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर आप 100 से ज़्यादा बढ़ा देते हो ना, तो आपका फ़ोन मिस भी हो करने लग जाता है, थोड़ा बहुत लैग वगैरह या हीट वगैरह का इशू होता है, तो आप 100 या 90 के आसपास बढ़ाना है, उससे ज़्यादा मत बढ़ाना है। तो ये दोनों सेटिंग्स हो चुका है हमारा नॉर्मल। इसके बाद बात करते हैं अपनी गेम की सेटिंग्स के बारे में, कि गेम की सेटिंग्स क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। तो गाइस सबको पता है कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे बेसिक सा सेटिंग है हमारा सेंसिटिविटी सेटिंग। और सेंसिटिविटी सेटिंग में ना आपको जनरल को जो ऑलवेज मैक्स करके रखना है, क्योंकि जनरल के बिना आप कभी भी एकदम फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, हमेशा आपको जनरल को 100 करके रखना है, और उससे कम बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड उसके बाद बात करें फ्री लुक वाले ऑप्शन की, तो उसको आपको 50 से कम रखना है। बहुत सारे बंदे बोल रहे होंगे कि फ्री लुक का ऑप्शन मूवमेंट में कैसा आएगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मूवमेंट में आप इसका यूज किस तरह से कर सकते हो, और इससे यूज करने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला मूवमेंट होता है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताऊंगा। अब दूसरी सेटिंग की बात करें, तो वो आपका कंट्रोल्स में है, तो कंट्रोल्स में आपको क्विक वेपन स्विच को ऑन कर लेना है। अब जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स देखो, राइस्टर, YTFF या MA10, ये तीनों प्लेयर या इससे इसके जितने बड़े बड़े प्लेयर सभी इस बटन को ऑन करके रखते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको लेफ्ट फायर बटन भी ऑलवेज ऑन करके रखना है। ये दोनों बटन से ना आपका बहुत ही हद तक मूवमेंट स्पीड हो जाता है, मतलब 40% यही दोनों बटन आपका यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए। एंड इसके बाद आपको ऑटो स्विच गन को भी यूज कर लेना है। अब इसका यूज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताऊंगा। एंड फ्री लुक वाले ऑप्शन को भी आपको ऑन करके रख देना है कुछ इस टाइप से। एंड इसके बाद बात करते हैं कि कस्टम HUD की क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है। तो कस्टम HUD आपको अपना कस्टम HUD बनाना है, किसी दूसरे का कस्टम HUD कॉपी नहीं करना है। अब आपके पास कोई भी कस्टम HUD नहीं है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, या तो मेरा कस्टम HUD कॉपी कर सकते हो, या राइस्टर वगैरह किसी भी की कस्टम HUD कॉपी कर सकते हो, जो कि मेरे चैनल पे पहले से अपडेटेड है, ठीक है। तो उन सबको आप यूज कर सकते हो। ये तो फिलहाल आज की वीडियो में मैंने कुछ सेटिंग्स बताया, अब इन सेटिंग्स को लेकर आप बहुत ही तगड़ी मूवमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना। और अब आपको राइस्टर की कैमरा एंगल की ट्रिक जाननी, तो इस वाले वीडियो को देखो, नहीं तो अगर आप DPI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ये वाले वीडियो को आप जाके देख सकते हो। सो चैनल पे जितने भी लोग नए आए थे, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल वाला आइकन भी जरूर से दबा देना।